इस एग्जांपल में जस्ट डिस्कस करेंगे अगेन बिहेवियर ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स. इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोवाइडिंग फंक्शन डिक्लेरेशंस. मींस मैंने जस्ट इस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन का डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया है. इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? इंट स्टार. मींस जब भी इस फंक्शन को आप कॉल करोगे इस फंक्शन से रिटर्न किया हुआ एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स सेम एज मेन फंक्शंस. देन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट स्टार. फाइनली इस केस मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया स्टैटिक इंट ए विद वैल्यू 10. रिटर्न क्या हो रहा है? एड्रेस ऑफ ए और ए का टाइप इंटीजर है इसलिए इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट स्टार. क्लियर. नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट जो हाईलाइट क्या किया, स्टोरेज क्लास ऑटो, स्टोरेज क्लास स्टैटिक. जैसा कि मैंने डिस्कस किया था ड्यूरिंग स्टोरेज क्लास कॉन्सेप्ट, ऑटो के केस में ऑटो वेरिएबल्स का एलोकेशन कब होता है? जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल फंक्शन के ब्लॉक में एंटर होता है. सेम अगर स्टैटिक वेरिएबल्स की बात करें, स्टैटिक वेरिएबल्स का एलोकेशन कब होता है? बिगिनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और एट द टाइम ऑफ लोडिंग. सेम डी एलोकेशन परफॉर्म हुआ एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन. तो जस्ट इस केस में मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे. जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन के अंदर एंटर हुआ, सॉरी इसमें सबसे पहले परफॉर्म किया, जब ये होल प्रोग्राम और होल इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क रैम मेमोरी में लोड होंगे, लोडिंग के जस्ट बाद पहले मेन फंक्शन कॉल न होगा. सबसे पहले इस केस में परफॉर्म किया हुआ मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल ए प्लस ए किस प्लेस पर क्रिएट हुआ? इनसाइड डेटा एरिया. प्लस वेरिएबल ए मेमोरी के अंदर परसिस्ट कब तक करेगा? जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है. इस केस में इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड किया मैंने ए का S10. एड्रेस एजिंग किया मैंने खुद से 1000. प्लस ये करंटली किस प्लेस पर अवेलेबल? इनसाइड स्टैक मेमोरी और इनसाइड डेटा एरिया. इनसाइड डेटा एरिया. नेक्स्ट वन, इसे ए का एलोकेशन परफॉर्म होने के जस्ट बाद नेक्स्ट केस में चांस किसको मिलेगा? कॉलिंग मेन फंक्शन. थर्ड वन, जैसे ही एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के बॉडी पार्ट में एंटर होगा इमीडिएटली परफॉर्म किया मेमोरी एलोकेशन फॉर एक्स, मेमोरी एलोकेशन फॉर PTR. मीन्स दोनों का ही टाइप क्या? बोथ आर लोकल वेरिएबल्स. एज वी नो लोकल और ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड. इस लोकल के साथ साथ इनके बाय डिफॉल्ट मीन्स फर्स्ट केस में एक्स का स्टोरेज क्लास प्रोवाइड किया ऑटो और डिफॉल्ट टाइम मीन बाय डिफॉल्ट PTR का भी स्टोरेज क्लास क्या रहेगा? ऑल्सो ऑटो, बिकॉज PTR क्या है इस केस में? लोकल वेरिएबल्स. इसलिए दोनों ही वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इनसाइड स्टैक एरिया. एड्रेस समथिंग 100, 98, 96, 94 एंड सो ऑन. तो जैसे मेन फंक्शन के लिए लोडिंग होगा सबसे पहले मेमोरी किसके लिए एलोकेट हो रहा है? एक्स एंड PTR. दिस इज द मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ द और ऑटो वेरिएबल ऑफ द मेन फंक्शंस. देन एक्स और PTR में इनिशियली कोई वैल्यू साइन नहीं किया है. इसके जस्ट बाद थर्ड, फोर्थ डिक्लेरेशन, फिफ्थ केस में जस्ट PTR के अंदर असाइन किया करा है एड्रेस ऑफ फंक्शन. या ब्रैकेट पास नहीं करेंगे, जस्ट टाइपिंग मिस्टेक है. जस्ट PTR इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ फंक्शन. मीन्स मेमोरी के अंदर फंक्शन जिस प्लेस पर लोड हुआ है, फंक्शन का एग्जीक्यूटिव कोड जिस प्लेस पर लोड हुआ है. सपोज दैट दिस द ब्लॉक कंटेनिंग एग्जीक्यूटिवल कोड ऑफ फंक्शन और दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन एड्रेस समथिंग 200. देन इस केस में PTR में क्या साइन हो रहा है? जस्ट 200. PTR इस लोकेशन को या फंक्शन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा. क्लियर. इसके रिस्पेक्ट में इस लोकेशन का एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा इसको कॉल करने के लिए? स्टार PTR. क्लियर. इस फंक्शन को कॉल करने के टोटल आपका सिंटेक्स कितने हैं? 2 सिंटेक्सिस. नेक्स्ट वन, एक्स इक्वल टू इस केस में जस्ट कॉल क्या किया? स्टार PTR फंक्शन. PTR के थ्रू मीन्स PTR क्या फंक्शन पॉइंट, इस फंक्शन पॉइंटर के थ्रू कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ डिपेंड करेगा PTR के अंदर करंटली एड्रेस किसका है? फंक्शन का. तो इस केस में एग्जीक्यूशन किसका हुआ? दिस फंक्शन बॉडी. मीन्स इमीडिएटली इस पर्टिकुलर केस में सिक्स्थ केस में एग्जीक्यूशन कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड हेडर ऑफ फंक्शन. देन इस फंक्शन हेडर के लिए सिक्स्थ के बाद सेवन्थ स्टेटमेंट क्या है? वेरिएबल ए के लिए एलोकेशन ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है बिगिनिंग प्रोसेस में सिक्स्थ. देन सेवन्थ केस, देन फाइनली एट में रिटर्न क्या हुआ? एड्रेस ऑफ ए विच इज 1000. मीन्स इमीडिएटली कॉलिंग प्लेस पर रिटर्न क्या हो जाएगा? 1000. मीन्स इस प्लेस पर रिटर्न क्या हो रहा है? 1000. एट के बाद इसको सिक्वेंस में नहीं दे रहा हूँ एज अ नाइन्थ. देन 1000 साइन हो जाएगा पॉइंटर वेरिएबल एक्स के अंदर. देन एक्स ही इमीडिएटली किस लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा? लोकेशन 1000. इसका एक और अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा? स्टार एक्स. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ स्टार एक्स. करेंटली स्टार एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है? स्टार एक्स नथिंग बट इट इज इनडायरेक्टली वेरिएबल ए.
प्लस इस केस में कॉन्सेंट्रेट करना है, ये देखा जाए तो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल था। अगर सेम केस में अगर आप ए को क्रिएट कर दिया जाए ऑटो, देन उस केस में ए इटसेल्फ कहां क्रिएट होता है, इनसाइड टॉप ऑफ द स्टैक। देन जैसे ही कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर सेंड होता है देन इमीडिएटली परफॉर्म क्या होता है, डी एलोकेशन फॉर ए। लेकिन करंटली ये का टाइप स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैटिक, इसलिए ये अभी भी मेमोरी में परसिस्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में वैलिड रेट जनरेट होंगे, आउटपुट एज 10। अगर आप ऑटो वेरिएबल डिफाइन करो देन इस केस में ऑटो के केसेस में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट होने के चांसेस है। इस केस में दोनों ही केसेस में ट्राई करना, करंट केस में ऑटो में भी आपको हो सकता है वैलिड रिजल्ट मिल जाए, बट सपोज दैट इज प्रिंट एफ से जस्ट पहले अगर आप कॉल करते हो लाइक अ सीएलआर एससीआर और सम अदर फंक्शन बिफोर, इन केस ऑफ मैं ऑटो की बात कर रहा हूँ, अगर स्टैटिक के प्लेस पर ऑटो इसके ऐसे पहले अगर आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं डिस्प्ले कराओ स्टार एक्स, देन उस केस में क्या गार्बेज आउटपुट।